किसान भाइयों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा बासमती की एक नई किस्म जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम है पूसा बासमती 1692। ये किस्म जो है 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1509 से करीब 5 से 10 दिन पहले पक जाती है और इसकी पैदावार पूसा बासमती 1509 की तुलना में 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसके दाने में चावल के अंदर दूधियापन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका चावल टूटता नहीं है, इसकी वजह से खड़े चावल की रिकवरी इसमें ज़्यादा होती है। और इसकी जो संस्तुति हम करेंगे कि इसकी पौध जो है करीब 15 जून के आसपास आप पौधशाला में बीज की बुआई करें और 25 दिन की जब पौध तैयार हो जाए तो उसमें इसकी रोपाई करें। तो 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के आसपास अगर इसकी रोपाई करते हैं तो उच्च गुणवत्ता और साथ ही साथ अधिक पैदावार आपको प्राप्त होगी। चूंकि ये नई किस्म है, इसका बीज हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस बार जो हमारा किसान मेला 25 से 27 फरवरी को लगाया गया उसमें इसका सीमित मात्रा में बीज 2 किलोग्राम के पैकेट में किसान भाइयों को हमने दिया है। मैं अनुरोध करूंगा सभी किसान भाइयों से कि जब इस किस्म को लगाते हैं तो उसके बगल में आप 1509 को भी लगाइए और खुद लगा करके देखिए कि 1509 की तुलना में कितनी उत्तम किस्म है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लगा के खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस्म कितनी अच्छी है, ये काम जरूर करिए। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि कई एक बार जो नई किस्म आती है तो कुछ बीज के व्यापारी लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी 1692 को हमने किसी को नहीं दिया है। अगर बाज़ार में पूसा बासमती 1692 के नाम से कोई भी किस्म आपको बेचता है तो इसका मतलब कि आपको गलत बीज दे रहा है। किसी से भी बाज़ार में बीज नहीं खरीदें। इसकी ज़्यादातर संभावना है कि पूसा बासमती 1692 की जगह पर लोग पूसा बासमती 1509 का बीज आपको बेचकर और ठगने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों से आप बचिए। अगली बार हम पर्याप्त मात्रा में इसका बीज आपको उपलब्ध कराएंगे और जो किसान भाई 2 किलो बीज ले गए हैं वो जो बीज उससे जितना पैदा होगा, मैं तो कहूँगा कि 2 किलो से आप 1 एकड़ में कम से कम रोपाई करिए, थोड़ा सा दूर दूर रोपाई करिए और उससे जो बीज पैदा होता है उसको बीज के रूप में अगले बार प्रयोग करिए और अपने साथी किसान भाई जो हैं आपके गाँव के उनको भी वो बीज दीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।